गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग बस्त ने पाली थाने का वार्षिक औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई से लेकर अभियोगों का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें भारी कमियां पाई। साथ ही होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। आपको बताते चले, गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे अपने लव लश्कर के साथ पाली थाने का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग बस्त ने सबसे पहले पुलिस कर्मियों के पास मौजूद सरकारी असलाहों और कारतूस के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने थाना परिसर में बैरक नंबर व भोजनालय कंप्यूटर रूम की साफ सफाई का जायजा लिया, जहां सब ठीक ठाक मिला। इसके बाद उन्होंने एक एक कर अभिलेखों को खंगालना शुरू किया, जिसमें भारी कामियां पाई गईं, जिस पर लापरवाह पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। इसके पश्चात उन्होंने आने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कप्तान के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक कपिल देव, पश्चिमी क्षेत्राधिकारी शाहबाद राकेश वशिष्ठ प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए, आज थाना पालिका मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि थाने में जो विभिन्न प्रकार के अपराध हैं उनमें क्या कृत कार्रवाई है, थाने के रिकॉर्ड्स को निरीक्षण किया गया है, थाने की साफ़ सफाई और इसके अलावा जो पंचायत चुनाव हमारे होने वाले हैं उनको लेके क्या तैयारियां हैं, इन सब के बारे में समीक्षा की गई है, जायजा लिया गया। और जो निरीक्षण किया गया है उसमें अभिलेखों में बहुत कमियां पाई गई हैं। कुछ पुलिस कर्मचारी हैं जिनकी भारी लापरवाही पाई गई है कुछ प्रकरणों में, उनकी डिटेल रिपोर्ट के साथ में उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो अन्य कार्रवाइयाँ जो इसमें होंगी वो भी निरीक्षण रिपोर्ट के बनने के बाद ही आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन ये बात है कि इसमें कई प्रकरणों में कई चीज़ों में जो कमियां हैं उनको संज्ञान में लिया जा रहा है।